अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। सर कह रहा हूँ एमटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप तमाम लोगों को शामिल कहते हैं। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि मैं कोशिश करूँगा कि अपने जितने भी ये ऑनलाइन जब से स्टार्ट किया है इन तमाम की जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में शो कर दूँ, तो आप तमाम लोगों के मेरे प्रीवियस क्लास को भी देख सकते हैं। और आज इंशाल्लाह हम थर्ड लेक्चर वर्ड पे शुरू करेंगे। कोशिश कीजिए कि मैं जो वीडियो है वो ज़्यादा बड़ा ना बनाऊँ, इतने ही हो कि आप आसानी से उसको देख सकें और उसको प्रैक्टिस कर सकें। कुछ एग्जांपल्स के साथ कोशिश करता हूँ कि बात करूँ ताकि आसानी के साथ समझ में आ जाए और प्रैक्टिकल वर्क भी ज़्यादा होता है। तो ये और जितने लोगों ने अभी हम कुछ देर में अपना जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे, तो आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत आसानी के साथ जाएं यूट्यूब पे और मुकर्रम अंसारी लिखें, MUKERRAMANSARI। मुकर्रम अंसारी जब लिखेंगे तो अब आपको एम का लोगो बना हुआ नज़र आएगा, उस एम के लोगो पे आप लाजमी उसको सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपको जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलेंगी। बहुत अदर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं होता, थोड़ी सी मौज मस्ती भी उसके अंदर होती है और कुछ वर्कशॉप्स के बारे में भी उसके अंदर कुछ जो हमने कंडक्ट कराया था एमटेक में तो उसको अपलोड किया हुआ है, तो उसको लाजमी देखें, इंशाल्लाह उससे फ़ायदा होगा। तो एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों से बार बार होती है, सब्सक्राइब करें, खुद भी करें और जितने भी लोग आपके साथ हैं, कोलीग्स हैं, दोस्त हैं, स्टूडेंट्स मुझे जो इस पर देख रहे हैं, लाजमी उसको सब्सक्राइब करें। आप लोगों के जो फेवर है मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए, ये फेवर इसी तरीके से है कि आप मुझे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट्स लाजमी क्या करें कि आप क्या चाहते हैं, किस तरह की चेंजिंग होनी चाहिए और कोर्स में क्या अपडेशन होनी चाहिए। मैं अपने हद तक कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुख्य चीज़ें बता सकूँ और कहीं ना कहीं जो कमी रह जाती है वो इंशाल्लाह आपके कमेंट से, फीडबैक से वो इंशाल्लाह जल्द पूरी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, तो मूव करते हैं कैमरा जो है अपना सिस्टम के तरफ ताकि आपको स्क्रीन नज़र आए और आप अपनी क्लास स्टार्ट कर सकें। जस्ट वेट, अच्छा तमाम स्टूडेंट हैं आप इस वक्त वर्ड MS जो हमारा टॉपिक है MS ऑफिस के अंदर वर्ड से हमने काम स्टार्ट लिया है पहली क्लास के अंदर। मैं जल्दी जल्दी रिविजन कर दूँ, पहली क्लास के अंदर हमने जो काम स्टार्ट किया वो टाइपिंग था। टाइपिंग पे जो मैंने आपको बेस लाइन लिखाई थी वो बेस लाइन दी क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजेंड, और मैं आपको दोबारा एक दफ़ा टाइप करके दिखाता हूँ। जिन लोगों ने अभी तक टाइपिंग क्लास को चेक नहीं किया है वो वीडियो को तो लाजमी देख लें किस तरीके से टाइपिंग होता है। ये दी क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ये बेस लाइन है, ठीक है। ये अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको, ये उम्मीद है अब आपको नज़र आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। तो ये दी क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग, ये लाइन जो है बेस लाइन है टाइपिंग के लिए। यही इसके अंदर इंग्लिश के तमाम करेक्टर A to Z इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं और आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। आप इसकी टाइपिंग जो है टाइम टू टाइम जितनी ज़्यादा कर सकते हैं करें ताकि आपके लिए जो है, और इसको रिपीट करें, इस टाइपिंग को जितनी रिपीट करेंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होगी। बहुत ज़्यादा काम इस वक्त ऑनलाइन में डाटा एंट्री का हो रहा है और उस डाटा एंट्री में आपकी टाइपिंग स्पीड जितनी अच्छी होगी आपको उतना ज़्यादा आप अर्निंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप घर से बाहर जाके अर्निंग करें, आप यहाँ रहते हुए भी आप सारी चीज़ें सीख सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो अब मूव करते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको उम्मीद है आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही होगी, अगर नहीं नज़र आ रही तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को, आप टाइपिंग के बारे में मैं बता रहा था, तो आप तमाम लोग अपनी टाइपिंग को बेहतर बनाने के लिए ये जो लाइन जो मैंने अभी आपको दिखाई है लिख के दी क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग, इसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है
और आप अगर घर पे रहते हुए कुछ अर्निंग करना चाहते हैं डेटा एंट्री, तो उसके लिए आप उससे फायदा उठा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। सबसे पहले जो हमने पहले लेक्चर में बताया उसको आप लाजमी देखें और सेकंड लेक्चर भी लाजमी देखें ताकि आपके मजीद चीज़ें क्लियर हो जाएं। फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में हम जो हैं तकरीबन होम का जो पहला होम का जो टैब है इसके अंदर जो मेन्यूज़ हैं टूल्स हैं उसको हमने यूज़ किया था, जिसमें फॉन्ट स्टाइल के बारे में बताया था। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ स्ट्राइक थ्रो हम यूज़ कर रहे होते हैं। स्ट्राइक थ्रो बेसिकली इसका करने का मकसद यही है कि अगर जिस तरीके से हम स्कूल होमवर्क करते थे जहाँ पे कोशिश यही होती थी कि जिस तरीके से मैंने चलते हैं मैं आपको कुछ लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, ये एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में अगर मैं ये होता है कि इसके अंदर कुछ चीज़ें जो हैं मोर देन वन टाइम लिखा गई है तो उसके साथ हम क्या करें। इसमें आप देखें आपको रेड कलर का एरर नज़र आ रहा होगा क्योंकि वीडियो जो है 3 टाइम लिखा गया है, और इसी तरीके से और भी दूसरे लाइन में कुछ प्रॉब्लम हम क्रिएट कर देते हैं जिसको हम एरर कहते हैं। तो अमूमन जब स्कूल में हम होते थे तो टीचर्स क्या करती थी, हमें पनिशमेंट के तौर पे या तो पनिश करती थी और कहती थी कि ये नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इसको रिपीट कर देते हैं तो अब कंप्यूटर के यहाँ पे कोई चीज़ पेन से साइन करना या चेक करना काटना मुश्किल है। यहाँ तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर हम इसको बैक स्पेस यूज़ करें या डिलीट करें तो उसको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन इसको यहाँ पे रहे उसके लिए हम क्या करते हैं कि जिस तरह ये रिपीट वर्ड हुआ है इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद स्ट्राइक थ्रू पे गए और इस तरीके से इसको हम काट लेते हैं। इसी तरीके से ये हमने इसको यहाँ पे काट लिया। ठीक है, स्ट्राइक थ्रो का कॉन्सेप्ट ये है, हम स्ट्राइक थ्रो इसलिए यूज़ करते हैं। ठीक है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन से आप खुद ही वाकिफ होंगे, नहीं होंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको लेक्चर वो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको चेक कर लीजिएगा। ये स्ट्राइक थ्रो का था। अच्छा, सेकेंड इसके अंदर जिसमें जितने भी व्यूवर्स हैं इस वक्त हैं, तो जो छोटे बच्चे हैं जो इस वक्त क्लास 4-5 के हैं या वो बच्चे जो इस वक्त मैट्रिकुलेट और इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन के जिन्होंने साइंस से किया, तो उन्होंने मैथ भी पढ़ा है, केमिस्ट्री भी पढ़ा है और फिजिक्स भी पढ़ा है। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स जो इक्वेशन वगैरह होते हैं उसके अंदर हम आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन और मुख्तलिफ तरह के जितने भी एटम्स हैं तो इनके एटॉमिक मास एटॉमिक वेट लिख रहे होते हैं, फिर इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम इसके बैलेंस बनाने के लिए इस पर हम काम करते हैं। तो वहाँ पे हम किस तरीके से उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, और जब मैथमेटिक्स के हवाले से आए जिसके अंदर हम स्क्वायर क्यूब वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं तो इसको किस तरीके से इसमें बना रहे होते हैं वो देखते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत आसान सा है H2O। ठीक है, H2O हमने लिख दिया इस तरीके से, लेकिन जो केमिस्ट्री की लैंग्वेज है उसके अंदर H2O इस तरीके से नहीं होता है। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसकी स्क्रीन बढ़ा दूँ ताकि आपको नज़र आए, उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, H2O इस तरीके से हम नॉर्मल किसी बच्चे को कहेंगे तो वो H2O इस तरीके से लिख देगा, लेकिन बेसिकली ये जो लिखा गया है वो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कोई भी बंदा होगा तो वो H2O इस तरीके से नहीं पढ़ेगा, बल्कि यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है जिसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली जो केमिस्ट है वो इसको H2O को इस तरीके से पढ़ते हैं कि नॉर्मल इंसान तो जिसको नहीं पता वो तो H2O इस तरीके से लिखेगा, लेकिन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में H2O हम इस तरीके से लिखते हैं। और कुछ इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं, CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको कह रहे होते हैं इसमें भी हम इस तरीके से CO2 ले लेते हैं होते हैं। ठीक है, आप इसके अंदर कुछ इक्वेशन मैं आपको और बता दूं कि इसको और कोई इक्वेशन मेरे सामने। मेरे पास एक इक्वेशन है NH3+2। ठीक है, इसको अब अगर मैं या इसको मैं इस तरीके से कह दूँ O2 को, अगर मैं इक्वेशन के हिसाब से लिखूं तो इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा, NH3
वापस हम गए, ठीक है, इसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं, बार बार ये सुन लें, सबस्क्रिप्ट ये बहुत काम आएगा, ठीक है। वो बच्चे जो इस पर किसी स्कूल में जॉब कर रहे हैं या जो हमारी फीमेल स्टूडेंट हैं एज अ टीचर वहाँ जॉब कर रही हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कुछ पेपर्स वगैरह बनाना, तो अपने पेपर्स खुद से बना सकती हैं, ना कि आप किसी ऑपरेटर को दें और आपका पेपर लीक हो जाए। तो नॉर्मल सी चीज़ है, आप इक्वेशन इस तरीके से एन एच आपने लिख दिया, थ्री पे गए, और जिस चीज़ को आपने सबस्क्रिप्ट करना है उसको लाजमी सेलेक्ट कीजिएगा, और सिलेक्ट करने के बाद उसी फंक्शन को डिसेबल कीजिएगा, अदरवाइज उस पे ही काम होता रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस पे किस तरीके से, ये हमने सेलेक्ट किया है एच क्यू, अच्छा यहाँ पे वही हुआ जिस बात का मुझे डर था, ठीक है। यहाँ पे इसको जो भी राइटिंग हमारे पास लिखी है आप ये देखें, ऊपर वाली राइटिंग और उस राइटिंग में फर्क है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑलरेडी इस पे जो भी हमने काम किया है वो सबस्क्रिप्ट पे ही लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब हमने CO2 लिखा था तो उसके बाद इसको जो है हमने डिसेबल नहीं किया था, ये देखें यहाँ पे अभी तक इनेबल है। अब इसके बाद हम जो भी काम करेंगे वो उसी फॉर्मेट पे उसी राइटिंग पे लिखा रहा होगा, तो हम इसको वापस नॉर्मल मोड में लाने के लिए वापस इस पर क्लिक करेंगे ताकि डिसेबल हो जाए और फर्दर हम अपना फिर भी काम कर सकें, ये आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। अगला स्टेप हमारा क्या था, NH3, ठीक है, NH3 को हमने सबस्क्रिप्ट पे लेके जाना, क्लिक किया, वापस आए, वापस आके इसको हमने नॉर्मल कर दिया ताकि हम अगला काम कर सकें, O2 को हमने इस तरीके से कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप केमिस्ट्री के बहुत सारे इक्वेशन ले सकते हैं, इक्वेशन लेने के बाद इस तरीके से आप उस पर काम कर सकते हैं, और ऑप्शन आप लाजमी याद रखें, इसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं, इसकी शॉर्ट की Ctrl+ भी है, आप इसको चेक कर सकते हैं, अदरवाइज अगर नहीं भी है तो आप फिलहाल उसको माउस के थ्रू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सबस्क्रिप्ट फिलहाल हमारा मामला यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम अगर मैथमेटिक्स के हवाले से चलें तो हमारे पास मैथ के बड़े फार्मूले हैं, ठीक है। आप पे एक फार्मूला ले लें A+B² ठीक है, इसको फार्मूला बनाया हमने कहाँ से आके, सुपरस्क्रिप्ट से, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट पे है, यहाँ हमने क्लिक किया, ये फार्मूला सुपरस्क्रिप्ट पे आ गया। फिर वही बात, जब भी हम कोई काम उसमें फंक्शन पे जाएंगे तो वापस उस फंक्शन पे क्लिक करके डिसेबल करेंगे ताकि अगला हम नॉर्मल मोड पे आ सकें, ठीक है। हमने क्लिक किया, ये नॉर्मल मोड पे आया। अब इस फार्मूले का ब्रेकअप करते हैं, इस फार्मूले का ब्रेकअप A2+2AB+B2, ठीक है। B2 का मतलब B² है, जिन लोगों को ये फार्मूला पता है वो आसानी के साथ इस फार्मूले को समझ सकते हैं, और आपके ये बहुत काम आएगा, चाहे वो बच्चे जो हमारे मैथ के टीचर हैं, वो बच्चे वो लड़कियां जो मैथ पढ़ाती हैं और पेपर अपना नहीं बना सक रही हैं सिर्फ इन फार्मूलाज की वजह से, तो वो आसानी से कंप्यूटर पे इसको बना सकते हैं। एक इक्वेशन में और आपको दिखा दूँ, 27x चलिए -1+8y6+8x1, इस तरीके से हम इसको कंप्यूटर पे सॉल्व भी कर सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो। ठीक है, चलते हैं अब इसको किस तरीके से हम फॉर्मूले पे बना रहे हैं। होम पे जाते हैं, होम पे जाने के बाद वापस इसको हम स्क्वायर पे आते हैं, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट पे आते हैं, 6 की पावर भी सुपरस्क्रिप्ट है, कर दिया हमने, x की पावर 3, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से सवाल हम हल करते हैं, आगे हम चलेंगे तो आगे हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन आएंगे जब हम उसमें फॉर्मूला उसको बना लेंगे। फिलहाल अभी सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का काम था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उम्मीद है आपके, और उसको नोट डाउन रखें, ये आपके बहुत काम आएगा। बेसिकली जो होम टैब है इसके अंदर जितने मेन्यू हैं, टूल बार हैं, ये आपके हर जगह काम आएगा। सबसे ज़्यादा यूटिलाइज बेसिकली इसी का है, और जब अगर आपको ये चीज़ कंप्लीट आती है तो एक्सेल जब हम जाएंगे एक्सेल करने के लिए, तो वहाँ पे आपका 25% से ज़्यादा काम इसी
होम टैब का ही वहां पे हो रहा होगा, तो आपके लिए काम भी आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इस पैराग्राफ को हमने लिया था, इस पैराग्राफ से आगे हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, ये फॉन्ट इंक्रीज वाला ऑप्शन हम ऑलरेडी कर चुके थे। यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको आता है इंक्रीज फॉन्ट का। ठीक है, इंक्रीज फॉन्ट का एक ऑप्शन आता है। उस इंक्रीज फॉन्ट पे अगर हम जाते हैं तो अब सबसे पहले जिस चीज को मैंने इंक्रीज करना है उसको मैंने सिलेक्ट किया। एक तो तरीका ये था कि इस इंक्रीज साइज पे जाके मैं अपनी मर्जी का लिख देता हूँ और वो साइज का हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब कंप्यूटर के अंदर एक फंक्शन दिया है तो हम उस फंक्शन को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, यहाँ इस पर 20 है, इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो वो कंसेक्यूटिव होता रहता है, 1+1 नहीं हो रहा था। ठीक है, 22, 24 टू टाइम वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वापस हम इसको डिक्रीज करना चाहते हैं तो वापस इसको हम यूं करके डिक्रीज करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। इसके बाद हम चलते हैं आगे, तो चेंज केस का एक ऑप्शन आता है। चेंज केस का मसला ये होता है कि जब हम कंप्यूटर पर टाइपिंग कर रहे होते हैं तो बार बार ऐसा होता है कि तमाम चीज़ें स्मॉल पे लिखा गई, या कोई ऐसा टास्क होता है जिसको हमने कोई लाइन हाईलाइट करना होता है, उसको कहा जाता है कि सारे लाइन जो है कम्प्लीट लेटर पर आप लिखेंगे, कैपिटल लेटर पर लिखें, तो उस कैपिटल लेटर पर आपको बार बार शिफ्ट और कैप्स का बटन दबाना पड़ता है। तो आप आसानी के साथ किसी भी लाइन को अगर आप नॉर्मल जिस तरह आप चाहते हैं टाइप करना आप टाइप करते हैं, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है। लेकिन ये याद रखें, जब कभी किसी टेस्ट के लिए या इंटरव्यू के लिए बैठे हैं तो वहाँ पे आपके पास टाइम नहीं होता है, और साथ साथ ही आपको परफॉर्म करना पड़ता है ताकि आपको किसी भी काम करने में आसानी हो। ये नहीं हो रहा है कि आप ये कहते हैं कि जब काम ख़त्म हो जाएगा तो ही मैं जाके उसको सही करूँगा, तो आप साथ साथ इसको परफॉर्म करते रहिए, क्योंकि टाइम जब ख़त्म होगा तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप उसको ओके कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास चेंज केस में जाते हैं। यहाँ हमारे पास सेंटेंस केस, सेंटेंस केस का मतलब होता है कि आपने कोई काम स्टार्ट किया, कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, उसका पहला अल्फाज कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बाकी, क्योंकि जब तक किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम ना आ जाए या किसी का नाम, किसी जगह का नाम, तो आप उसको कैपिटल लिखते हैं, अदरवाइज आप पहला वर्ड कैपिटल होता है सेंटेंस वर्ड सेंटेंस का, उसके बाद सारे स्मॉल होते हैं जब तक फुल स्टॉप नहीं आता। तो सेंटेंस केस में आप करेंगे तो बिल्कुल जो सेंटेंस केस का फॉर्मेट है वो उस पर ही चला जाएगा। इसके बाद हमारे पास आगे ऑप्शन है लोअर केस का। लोअर केस पर मैं क्लिक करता हूँ क्योंकि मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये उस सेलेक्ट वाले एरिया पर परफॉर्म करेगा। लोअर केस पर जाते हैं तो सारी चीज़ें स्मॉल लेटर पर होगी, मतलब कि जो भी चीज़ आपका, चाहे वो स्टार्टिंग वर्ड है या एंड है, वो सारे स्मॉल पे होगा। वापस सेंटेंस केस को देखते हैं, ये देखें पहला अल्फाज कैपिटल हो गया, उसके बाद सारे स्मॉल हो गए। अपर केस, लोअर केस में आपने देख लिया था केस क्या होता है, सारे स्मॉल हो जाते हैं। अपर केस में आप देखें सारे चीज़ें कैपिटल होगी। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, बहुत काम की चीज़ है। कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड, मतलब कि जो पहला वर्ड है, यानी कि ये वीडियो है, ये वीडियो वाइस वी से शुरू होकर ओ पे ख़त्म हो जा रहा है, ये आपका एक पहला वर्ड है। तो ये पहला वर्ड जो है ये आप चाहते हैं कि ये कैपिटल हो जाए, पहले इसको हम कोशिश करते हैं कि स्मॉल कर लें। वापस चलते हैं चेंज केस में और इसको लोअर केस कर देते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो को मैं ये चाहता हूँ इस ऑप्शन में कि कैपिटल कर दें ईच वर्ड, मैंने इस पर क्लिक किया और ये कैपिटल हो गया, या इसको हम सेलेक्ट करें सारे को और इसमें कह दिया ईच वर्ड। अभी देखें हर वर्ड को इसने कैपिटल कर दिया। यह हमारा सबसे ज़्यादा यहाँ पे चीज़ यूटिलाइज होती है और इसको हम टाइम टू टाइम यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। ठीक है, इस पर हम क्या कर रहे होते हैं कि वर्ड को भी जो भी हमने टेक्स्ट टाइप किया है इसको हमने जाके सेलेक्ट कर लिया, करने के बाद हम यहाँ आते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन ऑलरेडी इसमें दिए गए हैं ताकि आप इसके अंदर कोई खूबसूरती लाना चाहते हैं। बेसिकली ये ज़्यादा काम हेडिंग पे ही होता है और ऑफिशियली जब हम काम करते हैं तो वहाँ पे इस तरीके से नहीं। हाँ, लेकिन ये कि बच्चों के ड्राइंग को अगर आप कोई बुक बना रहे हैं जिसमें बच्चों का कोई ड्राइंग की किताब है, कलरफुल किताब है, तो वहाँ से आप उसको वहाँ यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ किसी लेटर पर ये काम नहीं कर सकते। तो सॉफ्ट कॉपी के लिए तो ये अच्छा है, लेकिन जहाँ प्रिंट आप निकालेंगे तो वहाँ पे इतना कोई अच्छा नहीं आएगा, या कलर प्रिंट आप निकालना चाहते हैं
तो नॉर्मल सी राइटिंग जो इसमें शेड वगैरह ना हो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इसको हम इस पर काम करते हैं। अगले पैराग्राफ पे आते हैं। अब हमारे पास एक ऑप्शन है हाइलाइटर का। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब पूरी बुक बंदा पढ़ रहा है, ऐसे तो किताबें पढ़नी चाहिए, उसमें जितनी भी चीज़ें लिखी हैं वो कुछ ना कुछ काम की होती हैं, लेकिन अगर आप किताब के कुछ लाइन्स को समझते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको हाईलाइट कर लिया जाए ताकि मैं बाद में जब याद करूँ तो वो इम्तहान में उसको आसानी से लिख सकूँ, तो सिंपल सी चीज़ है, आप इस पर लाइन पर क्लिक करें जिस जहाँ तक आप चाहते हैं और यहाँ पर आके हाईलाइट कर लें। हाईलाइट के डिफरेंट कलर ऑप्शन है, आप जितने कलर जो भी कलर चाहते हैं, बेसिकली ज़्यादातर येलो और ग्रीन यूज़ करते हैं हाईलाइट करने के लिए, तो आपके इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप जो भी इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, इसमें कोई माइंडिंग नहीं, नो कलर नो कलर। ठीक है, लेकिन अब नो कलर है तो फिर कलर तो आना नहीं है। ठीक है, अदरवाइज अगर जब हम इसको कलर लेंगे, देखिए अपना हिस्सा कलर वो कर देगा। फिर आगे चलते हैं, हमारे पास फॉन्ट कलर है। ठीक है, इस फॉन्ट कलर पे जिस तरीके से अभी आपने जो भी काम किया, तो ठीक है, हाईलाइट से निकलने के लिए स्टॉप हाईलाइट करते हैं, अदरवाइज वो हाईलाइट का ही ऑप्शन उस पर शो कर रहा होता है। ठीक है, अभी फिलहाल जब हमने टाइपिंग स्टार्ट किया, हमारे पास ब्लैक कलर की फॉन्ट का जो कलर था वो नजर आ रहा था, ये बाय डिफॉल्ट आता है, लेकिन हमारे पास ये आपके पास ऑप्शन है ऑटोमेटिक, जब भी हम कोई काम करें, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं तो ब्लैक पे, अदरवाइज आपके पास मुख्तलिफ कलर है। ये कैसे पता चलेगा आपको, जो आपने काम किया हुआ है उस वक्त उसको सिलेक्ट कर लें और इस तरीके से आप कुछ भी चाहते हैं इस तरीके से रेड कलर। लेकिन इस तरीके से आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी, या अदरवाइज आप स्टार्टअप में ही प्लान कर लेंगे आपने कुछ इस तरीके से काम करना है कि आपने ब्लू कलर या ब्लैक कलर या रेड कलर पे इस तरीके से आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं और सारी चीज़ें कर सकते हैं जो भी कलर आप इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं। अच्छा, बाकी अभी तक हमने जो काम किया था वो काम हमारे हर जगह इस्तेमाल में, स्पेशली वो लोग जो इस वक्त MBBS के स्टूडेंट हैं या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या इंजीनियरिंग कर चुके हैं, तो जब भी हम प्रैक्टिकल लाइफ में या कोई असाइनमेंट बनाते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो वहाँ हम ये तमाम फंक्शन को यूज़ कर रहे होते हैं। आप लोग इसको कोशिश करें कि लाजमी सीखें ताकि आप किसी के हेल्प ना लें और सेल्फ डिपेंडेंट हो और आप सारा काम अपना कर सकें आसानी के साथ। आगे हमारे पास जो ऑप्शन हैं वो बहुत ज़्यादा वो भी यूटिलाइज किए, ठीक है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और कोशिश करें कि लाजमी जो भी चीज़ आपने सीखा है इसको रिव्यू भी करें और वीडियो को भी देखें और दूसरों तक भी फैलाएँ ये बात कि सर मुकर्रम में MTech कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और उनका अपना एक चैनल है जो यूट्यूब पे, उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाल्लाह जिस तरीके से अभी मैंने प्लान किया हुआ है कि आपको इस कोर्सेज के हवाले से और सारी चीज़ें वर्ड के हवाले से और अगली भी कोई जिस तरीके से हम जो वर्ड कम्प्लीट करेंगे एक्सेल की तरफ और पावर पॉइंट की तरफ, और मैं कोशिश भी करूँगा कि प्रैक्टिकल वर्क भी आपको सिखाऊँ उसमें कि प्रैक्टिकल वर्क हम किस तरीके से कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल ऑप्शंस को आपको यूटिलाइज करना बता रहे हैं कि आप उस ऑप्शन को किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कॉमन सी चीज़ें आती हैं जो हर चीज़ कोर्स के अंदर शामिल नहीं है, लेकिन जब बंदा प्रैक्टिकल वर्क करता है तो वहाँ उसके इस्तेमाल में आती है और फिर वहाँ ही बंदे को क्लिक करता है कि ये काम कैसे होता है। तो ये जो भी काम है इसको हम टाइम टू टाइम देखेंगे, और आखिर में जाते जाते वही बात है कि आप के लिए YouTube पे जाएं, YouTube पे जाने के बाद मुकर्रम सारी लिखें, इस तरीके से आपको ऑप्शन नज़र आएगा। इस वक्त मेरे पास सब्सक्राइबर बहुत कम है
कोशिश करें कि सब्सक्राइबर भी आए और सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को भी देखें ताकि मुझे मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपके फ़ायदे की जो चीज़ें हैं वो मैं इसमें लाजमी ऐड कर सकूं और टाइम टू टाइम जितने आसानी के साथ और भी मैं चीज़ को यूटिलाइज करके मॉडिफाई करके इसके अंदर चेंजिंग ला सकूं तो वो मैं लाजमी आप लोगों से शेयर करूंगा। तो सिर्फ आप लोगों से एक ही बात है कि आप इसको जो है सब्सक्राइब करें, ये लाल बटन है और इस लाल बटन को लाजमी इसको क्लिक करें और बेल आइकॉन भी आपको नज़र आता है उस बेल आइकॉन पे भी आप क्लिक करें ताकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और इस तरह की जो मुफीद वीडियोस हैं जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है और आपके पैसे बच सकते हैं आप उससे फ़ायदा होना है। तो आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं और कुछ समअप करते हैं। समअप करने के लिए जल्दी जल्दी मैं इसको समअप करता हूँ ताकि आप लोग जो हैं इसे जो लेक्चर है इस लेक्चर को समझें। इस लेक्चर के अंदर हमने टाइपिंग की बात की, इस लेक्चर के अंदर स्टार्टअप में फाइल किस तरह सेव करते हैं, किस तरह ओपन करते हैं, कहाँ आपने सेव करना है, डेस्कटॉप के बारे में कुछ बातें की हैं और इसको टाइम टू टाइम हम रिपीट भी करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जो मैंने कह दिया वो वापस नहीं होगा, इंशाल्लाह वापस भी होगा, वो सारी चीज़ें होंगी। और उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा। कुछ वीडियो के इश्यूज में भी पॉसिबल है कि आपको फीलिंग आ रही होगी क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं किया हुआ है, एक गरीब सा बंदा हूँ, जो चीज़ है उसी में ही रहते हुए मैं आपको चाहता हूँ कि उसको फ़ायदा हो। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपको अच्छे कैमरे से अच्छी रिकॉर्डिंग करके आपको चीज़ें बताएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें और कोरोना वायरस बहुत ही ख़तरनाक है, इससे अपने भी लोगों को बचाएं और अपने लोगों को भी बचाएं और खुद भी हिफाजत करें और कोशिश करें कि जब गैदरिंग में जाएं तो मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें क्योंकि मास्क से ही हमारी बचत है। और अगर मास्क हमारे पास नहीं है तो मे बी हम इसका कोई रीज़न बन सकते हैं कोरोना फैलाने का। तो कोशिश करें जब लोगों के साथ जाएं तो उनसे सलाम दुआ करें और मास्क को यूज़ करें बात करते हुए। इंशाल्लाह हम इस तरीके से अपने माशरे को बचा भी सकेंगे और गवर्नमेंट रूल को भी फॉलो कर सकेंगे। आप तमाम लोगों का सरम करम को का सलाम और अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, अपने वालदैन का और अपने दोस्तों, अपने भाई बहनों और तमाम लोगों की, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात अपने टीचर्स और अपने वालदैन का एहतराम करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।